देखिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को खास करके मुस्लिम भाइयों बहनों को सदैव से वोट बैंक मानने का काम किया है और वोट बैंक मानने के बावजूद भी सदैव अपमानित करने का काम किया है। अब कल का ताजा उदाहरण देख लीजिए, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने बुरहानपुर के सम्मेलन में मंच से वहां के एक इलेक्टेड पार्षद को, एक मुस्लिम भाई को जिनका नाम अबरार साहब है, उनसे जिस तरह से बदतमीजी करके उनको नीचे उतारा, बाकी लोगों को भी नीचे उतारा, चाहे ओवैस शेख हो चाहे हमारे दूसरे भाई हो, लेकिन खास करके अबरार साहब को उन्होंने बदतमीजी करके नीचे उतारा, उनका अपमान किया। मुझे लगता है कि यह सारे समाज का अपमान है। और दिग्विजय सिंह जी की ये नई आदत नहीं है, वो लगातार हमारे मध्य प्रदेश के वासियों को, हमारे भारतीय समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। हमारी माता बहनों की बात करें तो माता बहनों को उन्होंने लगातार अपमानित काम करने का काम किया, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो मुझे बोलना भी शोभा नहीं देता है, ऐसे शब्दों का उन्होंने माता बहनों के लिए उपयोग किया है। वहीं हम समाज की बात करें तो वो अपने राजपूत समाज के सम्मेलन में जाते हुए भी उज्जैन में अगर कोई उनके स्वागत के लिए समाज का जिलाध्यक्ष खड़ा हो तो उनके साथ हाथापाई करने का काम करते हैं, रिपोर्ट तक इस मामले में डलने का काम होता है। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करे तो लाठियों से वार करते हैं, धारा 307 में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको सजा हुई, आज जो जमानत पर हैं। तो इस प्रकार के काम सदैव से दिग्विजय सिंह जी करते आ रहे हैं, जो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, और भारतीय समाज और खास करके मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। और आज अल्पसंख्यक भाइयों बहनों में, खास करके मुस्लिम भाइयों बहनों में भी ये बात फिर से सिद्ध हुई कि कांग्रेस सदैव से उनका अपमान करने का काम करती है, और इस बार अल्पसंख्यक समाज उनके साथ इस प्रकार से कभी खड़ा नहीं होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।